वेलकम बैक टू एक्सप्लोर फिजिक्स। ओके, तो आज का जो लेक्चर है वो टोटली स्पेस पे है कि हाउ टू क्वालिफाई द आईटी जेम एग्जाम विद ए गुड रैंक। कहने का मतलब एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए आईटी जेम की एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए अच्छी रैंक के साथ। ठीक है, ऐसा नहीं, एग्जाम देखो, आईटी जेम का जो एग्जाम होता है इसका जो सिलेबस है ज्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है। ठीक है, जो क्वेश्चंस आते हैं, जो एग्जाम होता है आसान एग्जाम होता है। आईटी जेम का एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, आसानी से आप एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। लेकिन अच्छी रैंक कैसे आए, कैसे तुम आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली या फिर आईआईएससी बैंगलोर, ठीक है, आईजर्स, ये कैसे तुम इसमें एडमिशन तुम्हें कैसे मिल सकता है। ठीक है, तो अपन उसकी स्ट्रेटेजी की बात करेंगे। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये चलता है कि सर क्या हम देखो, टोटल तुम्हारे पास में जो है 7 सब्जेक्ट्स हैं इसके अंदर। ठीक है, फिजिक्स के लिए टोटल 7 सब्जेक्ट्स हैं। 7 सब्जेक्ट्स के लिए तुम्हारे पास में एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। ठीक है, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में चलता है कि सर सॉरी, क्या हम कोई एक दो सब्जेक्ट छोड़ सकते हैं, मतलब क्या हम 5 सब्जेक्ट पढ़ के जो है अच्छे से एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। बिल्कुल, आप जो है 3 या 4 सब्जेक्ट पढ़ के क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन देखो, मैं जो स्ट्रेटेजी बताता हूं बच्चों को, या जिस टाइम पे मैं पढ़ता था उस टाइम पे जो मैं स्ट्रेटेजी अपनाता था, ठीक है, वो ये थी कि सब्जेक्ट्स टोटल पढ़ो। ठीक है, आपके पास में 7 सब्जेक्ट है तो टोटल 7 के 7 पढ़ के जाओ। ओके, हाँ, उसमें से हो सकता है कि 7ों में से आप जो है कंप्लीट टॉपिक ना पढ़ो, कुछ टॉपिक आप छोड़ सकते हो। ठीक है, जो टफ लगते हैं, जो एग्जाम में कम आते हैं, वो टॉपिक आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन सब्जेक्ट सारे पढ़ के जाओ। देखो, ऐसा क्यों, मैं सीएसआईआर नेट के जो मेरे बच्चे हैं उनको भी मैं बताता हूं कि अगर आप मान लो 7 सब्जेक्ट में से आप 4 पढ़ के गए, ठीक है, और 3 आपने बिल्कुल छोड़ दी, ठीक है, तो देखो कभी कभी इसका नुकसान क्या होता है, अगर आपकी किस्मत अच्छी नहीं रही तो देखो प्रॉब्लम क्या होती है। मान लो 7 सब्जेक्ट, ऐसा तो है नहीं कि 7ों की 7ों ही जो है आसान दे देगा, फिर कट ऑफ कभी भी 20 22 नंबर कट ऑफ नहीं जाती। ठीक है, अभी तो 19 नंबर कट ऑफ गई है। ठीक है, 20 22 25 ऐसे नंबर कट ऑफ जाती है आईटी जेम की, इतने नंबर पे ही। ओके, अगर 7ों सब्जेक्ट आसान दे देगा तो क्या कट ऑफ इतनी कम रहेगी? नहीं रहेगी। ठीक है, कुछ सब्जेक्ट तो टफ देगा ना, हो सकता है वो 2 सब्जेक्ट टफ दे दे और 5 आसान दे दे। ठीक है, मतलब 2 टफ दे दे, 3 मीडियम दे दे, 2 बिल्कुल टफ और 2 आसान दे दे। ओके, अब हो सकता है जो तुमने 4 सब्जेक्ट पढ़ के गए, ओके, उसमें से 2 सब्जेक्ट टफ आ गई, बाकी 2 मीडियम आ गई, ओके, आसान वाले तो तुम पढ़ के ही नहीं गए। ठीक है, तो ऐसे एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो सकता। क्वालिफाई भी हो गया तो उसका कोई फायदा नहीं है, अच्छी रैंक के साथ नहीं होगा। ठीक है, तो मेरा ये मानना है कि आप सभी सब्जेक्ट्स को पढ़ के चाहिए, 7ों के 7ों को, क्योंकि सबका जो वेटेज है 10 से ऊपर है। ठीक है, 10 10 नंबर से ऊपर हर सब्जेक्ट आती है तुम्हारे पास 7ों के 7ों। ठीक है, कोई 15 की भी आती है, कोई 18 की भी, कोई 20 की भी आती है। ठीक है, लेकिन 10 से ऊपर हर कोई सब्जेक्ट है, और हर सब्जेक्ट में एक दो क्वेश्चन तो आपको आसान 100% मिलेंगे। ठीक है, तो आप सभी सब्जेक्ट पढ़ के जाइए, उन सब्जेक्ट में से कुछ स्पेसिफिक टॉपिक को आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन पढ़ के सारे जाइए। रही बात सिलेबस की, सिलेबस की आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल मैं सिलेबस में जो टॉपिक्स हैं उसी अकॉर्डिंग चलूंगा, उससे कुछ एक्स्ट्रा ही पढ़ाऊंगा, कम नहीं पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, अच्छा, पढ़ने का तरीका क्या है? पढ़ने का तरीका ये है, आप हर एक लेक्चर देखिए, लेक्चर के तुरंत बाद आप शॉर्ट नोट्स बनाइए। ठीक है, मैं हर एग्जाम में शॉर्ट नोट्स पे बहुत जोर देता हूं। ठीक है, जिन्होंने एग्जाम क्वालिफाई किया है उनसे पूछिए शॉर्ट नोट्स का इंपॉर्टेंस क्या है। ओके, हर लेक्चर के बाद में उसको 10 से 15 मिनट दीजिए और शॉर्ट नोट्स, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई इंपॉर्टेंट बात है, थ्योरी है कुछ, वो आप उस पे अलग से शॉर्ट नोट्स में लिखिए। मतलब एक अलग से कॉपी होनी चाहिए, उसमें 7ों के 7ों सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स आपके पास में होने चाहिए। ठीक है, हर जैसे आप मान लो नेक्स्ट डे लेक्चर देखो, नेक्स्ट डे मान लो आपने 5वां लेक्चर देख रहे हो, 5th लेक्चर देख रहे हो, तो उससे पहले 4ों लेक्चर का रिविजन होना चाहिए शॉर्ट नोट से, 15 से 20 मिनट में हो जाएगा मेरे हिसाब से आराम से। ठीक है, तो चलिए, ये अपन जब क्लास में देखेंगे तो अपन देखते रहेंगे। एक बात और, जब भी आप एडमिशन, जैसे अभी मेरे पास में एक दिन में ही काफी बच्चों के मैसेज आए एडमिशन के लिए, बट एडमिशन जो है तुम्हारा 10 मई से स्टार्ट होगा। ठीक है, 10 मई से स्टार्ट होगा एडमिशन, तो कोशिश कीजिए, अगर आपके आसपास कुछ बच्चे हैं, तुम्हारे दोस्त हैं, जानकार हैं,
ठीक है, तो एक साथ एडमिशन लेने की। उसका रीजन क्या है, अगर आप ग्रुप में पढ़ाई करोगे, दो या तीन स्टूडेंट्स भी एक साथ हो जाएंगे, जैसे हम भी हमारे टाइम पे जब हम नेट की तैयारी करते थे, आठ आठ दस दस बच्चे जो है ग्रुप में स्टडी करते थे, तो वो स्टडी इज इफेक्टिव, वेरी वेरी इफेक्टिव स्ट्रेटेजी, ठीक है। वो जो स्टडी होती है, ये स्ट्रेटेजी के साथ आप पढ़ते हो, वो बहुत ही इफेक्टिव होती है। तो कोशिश कीजिएगा दो तीन बच्चे एक साथ ग्रुप में पढ़ाई करने की, तो बहुत अच्छा माहौल मिलता है। चलिए अब देखिए, मैं यहाँ पे जो सात सब्जेक्ट है, सेवन सब्जेक्ट्स है, उनके नाम लिख रहा हूं मैं, ठीक है। उसमें कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स है, ठीक है, आप उनको अगर अच्छे से पढ़ के जाओगे तो आप आसानी से एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो, ठीक है। एग्जाम पैटर्न मैंने प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं मैं, एग्जाम पैटर्न क्या है आईआईटी जेम का। ओके, आईआईटी जेम का जो एग्जाम पैटर्न है वो मैं बता चुका हूं कि 100 नंबर का जो टोटल मार्क, मैक्सिमम मार्क्स 100 होते हैं, 60 क्वेश्चंस आते हैं, पार्ट ए बी सी होता है, ए होता है एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बी होता है एमएसक्यू मल्टीपल सिलेक्टेड क्वेश्चन, सी होता है एनएटी न्यूमेरिकल आंसर टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तीन ए पार्ट जो होता है उसका 50 नंबर वेटेज होता है, बी का 20 नंबर और सी का 30 नंबर, ठीक है। ये सब मैं बता चुका हूं आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर। चलिए अब अपन, अच्छा, हर सब्जेक्ट का, जो सात सब्जेक्ट है उसका सिलेबस, जस्ट सब्जेक्ट जब मैं स्टार्ट करूंगा उससे पहले उसका सिलेबस, उसकी बुक और किस तरह से पढ़ाई करनी है वो सब मैं बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे तो मैं जस्ट एक बता रहा हूं कि कुछ टॉपिक्स है, अगर आप उनको पढ़ के जाएंगे तो आप आसानी से एग्जाम जो है अच्छी रैंक के साथ क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला लिखो सॉलिड स्टेट फिजिक्स डिवाइस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्स्ट जो सब्जेक्ट है सॉलिड स्टेट फिजिक्स डिवाइसेस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। ध्यान रखना दिस इज द इजिस्ट पार्ट, ठीक है, इजिस्ट पार्ट ऑफ दिस होल फिजिक्स इन आईआईटी जेम सिलेबस, ठीक है। यहां पे तुम्हारे पास में, तुम ये मान के चलिए सॉलिड स्टेट फिजिक्स जो है तुम्हारे पास में, यहां पे क्वेश्चंस भी तुम्हारे पास जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स के अंदर ये मान के चलिए 10 to 12 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। कहने का मतलब अगर मैं मार्क्स की बात करूं तो यहां पे तुम्हारे पास इतने नंबर के तुम्हारे पास में एग्जाम में आते हैं, और बहुत आसान क्वेश्चन है ये वाला, जो पार्ट है बहुत आसान है, सॉलिड का बिल्कुल छोटा सा सिलेबस है, ठीक है। और सॉलिड स्टेट फिजिक्स की अगर मैं बात करूं तो देखो एक टॉपिक है मिलर इंडिसेस, ठीक है, ये मान के चलिए यहां से क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा, ठीक है। एक है ब्रैग्स लॉ, ब्रैग्स लॉ ये मान के चलिए यहां से तुम्हें क्वेश्चन मतलब फिक्स है, ठीक है, तुम्हें यहां से क्वेश्चंस मिलेंगे मिलेंगे। तो बहुत छोटा सिलेबस है, यहां से तुम्हें तीन चार क्वेश्चन मिल जाएंगे सॉलिड सॉलिड से, ठीक है। एक है तुम्हारे पास में इलेक्ट्रॉनिक्स की, इलेक्ट्रॉनिक्स की मैं बात करूं, इलेक्ट्रॉनिक्स की मैं बात करूं, डिजिटल पढ़ जाना बहुत आसान है, मैंने पूरी यूट्यूब पे भी डाल रखी है, ठीक है। वैसे यहां तो मैं अलग से करवाऊंगा पूरा, ठीक है, डिजिटल कर जाना। ऑपरेशनल एम्पलीफायर ये मान के चलिए दो क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है, इससे भी एक से दो क्वेश्चन तुम्हारे पास में मिलेगा, ठीक है। बीजेटी, हर साल एक क्वेश्चन तुम्हारे पास में बीजेटी का तुम्हारे पास आता ही आता है, ठीक है। डायोड्स में जीनर डायोड, जीनर डायोड एक क्वेश्चन तुम्हारे पास में यहां से मिलेगा। मतलब ये कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि सर हम पता नहीं कितना पढ़ते हैं फिर भी एग्जाम्स क्वालिफाई नहीं होते। अरे भाई तुम्हें सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, सातों सब्जेक्ट्स पढ़ी है, लेकिन उसमें कुछ स्पेसिफिक टॉपिक अगर आप पढ़ के जाएंगे तो आप आराम से 40-45 नंबर तो ले सकते हैं, ठीक है। कोशिश कीजिएगा 70 से 75 नंबर लगाने का, ठीक है, तब जाके तुम्हारी जो है 50 या 55 नंबर बैठेंगे और तुम्हें जो एक अच्छी आईआईटी या रिसर्च इंस्टीट्यूट मिलेगा, ठीक है। तो उस तरह से अपनी जो है पढ़ाई कीजिए तो आप आसानी से जो है एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके पास में है, नेक्स्ट है मैथमेटिकल मेथड्स, मैथमेटिकल मेथड्स, ठीक है। मैथमेटिकल्स मेथड्स में भी जो क्वेश्चंस तुम्हें मिलेंगे, जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो आपके पास में 10 to 12 क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है, 10 से 12 क्वेश्चन मिलेंगे। मार्क्स का जो वेटेज होता है वो लगभग यही होता है, ठीक है, 12 to 16 नंबर मार्क्स का वेटेज होता है, ठीक है। कुछ स्पेसिफिक टॉपिक जो कि आसान भी है, सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें भी जिसमें सीएफ और पीआई निकालते हो, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है। मैट्राइसेस,
आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर, ठीक है, मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स डायगोनलाइज्ड करना, ठीक है, फंक्शन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, पूछ लेता है फंक्शन ऑफ मैट्रिक्स जेस्ट में, तो मान के चलिए आता ही आता है जेस्ट के एग्जाम में, ठीक है, फंक्शन ऑफ मैट्रिक्स। अच्छा फूरियर सीरीज, एक क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएगा फूरियर सीरीज का, फूरियर सीरीज का भी तुम्हारे पास में जो है एक क्वेश्चन यहां से मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स है जहां से तुम्हारे पास में एक वेक्टर कैलकुलस भी पढ़ लेना, वहां से भी एक तुम्हें क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। थ्योरम्स में स्टोक्स कर्ल थ्योरम दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये टॉपिक भी पढ़ लेना। तो आपको जो है यहां से अगर ये कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स भी पढ़ लोगे तो एक एक दो दो क्वेश्चन आपको 100% मिलेंगे, तो आप एग्जाम जो है आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। अब तुम ध्यान से देखोगे ये दो सब्जेक्ट का वेटेज ही तुम्हारे पास में 30 नंबर हो गया एक तरीके से, अगर 30 नंबर में से तुम 20 भी ले आते हो तो एग्जाम तो क्वालिफाई कर जाओगे, ठीक है। तो आईआईटी जेईई का एग्जाम क्वालिफाई करना बड़ी बात नहीं है, ठीक है, एग्जाम क्वालिफाई के साथ साथ एक अच्छी रैंक लाना, मतलब अंडर 200 100 रैंक जब तक तुम लेके आओगे तब जाके तुम्हें लगेगा कि हाँ ठीक है अब हमें एक अच्छी आईआईटी मिलेगी, ठीक है। आईआईटी बॉम्बे अगर आपको लेनी है तो अंडर 200 आना होगा, अंडर 130 आना होगा, ठीक है। आईआईटी दिल्ली के लिए तो 300 रैंक भी होगी तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है, इसका लगभग सबसे ज्यादा वेटेज होता है, ठीक है, एसटीआर प्लस क्वांटम मैकेनिक्स प्लस एटॉमिक फिजिक्स प्लस न्यूक्लियर फिजिक्स, ठीक है, ये मॉडर्न फिजिक्स के अंदर आते हैं ये चारों सब्जेक्ट्स, ठीक है। इसका बहुत छोटा सा पार्ट है जो कि आपको कंप्लीट करना है, ठीक है, न्यूक्लियर साइंस वगैरह इसके अंदर आता है, न्यूक्लियर साइंस, ठीक है, क्यू वैल्यू, ठीक है, रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। तो ये जो भी टॉपिक्स है कर लेना ही, तो बहुत छोटे टॉपिक है, आसान टॉपिक्स है बिल्कुल, ठीक है। कौन एसटीआर के अंदर लैंड कॉन्ट्रैक्शन टाइम डिलेशन, ठीक है, मास वाले, ओके मास वाले वेलोसिटी एडिशन वाले, ठीक है, तो ये भी पूरा करना है, ठीक है। क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर जैसे ओल्ड क्वांटम मैकेनिक्स की बात करूं तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है, इसके जो भी दोनों वाले फॉर्मूले है ना, वी डिस्प्लेसमेंट लो और एलर्जीज लो दोनों करने हैं, यहां से क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। इसके बाद में कॉम्पटन इफेक्ट, ठीक है, कॉम्पटन इफेक्ट कर लेना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इन दोनों में मिला के क्वेश्चन तुम्हारे पास मिल सकता है, ठीक है, ओके। इसके अलावा एक्सपेक्टेशन वैल्यू डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है, 1D 2D 3D 1D 2D एंड 3D बॉक्स से यहां पे एक क्वेश्चन मान के चलिए, हार्मोनिक ऑसिलेटर से एक क्वेश्चन मान के चलिए, ठीक है, फंक्शन को नॉर्मलाइजेशन से, मतलब कहने का मतलब मुझे नहीं लगता इससे आसान पार्ट कुछ होगा, मॉडर्न फिजिक्स से आसान पार्ट कुछ होगा आपके पास में, ठीक है। और 2019 में तो 2019 में तो इसके 18 से 20 क्वेश्चन आए थे, ठीक है, ये एक्सेप्शन टाइप का पेपर था 2019 का, ठीक है, बहुत ही आसान पेपर बन गया था ये, ठीक है। और बाकी जो है कहने का मतलब ये मान के चलिए इसके अंदर 15 मार्क्स का तो आप मान के चलिए, ठीक है, 15 नंबर का तो तुम्हारे पास में मिल जाएगा यहां से, ठीक है। तो ये बहुत आसान पार्ट है ये भी, ठीक है, तो यहां से भी आप काफी नंबर गेन कर सकते हैं। श्रोडिंगर इक्वेशन भी है भाई, है ना, श्रोडिंगर इक्वेशन से भी क्वेश्चन तुम्हारे पास में मिल जाता है यहां से। तो देखो कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स है, एक पर्टिकुलर टॉपिक्स को भी अगर आप पढ़ के जाते हैं, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ के जाइए तो आप एग्जाम आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फोर्थ सब्जेक्ट है आपके पास में, ऑसिलेशन वेव एंड ऑप्टिक्स, ऑसिलेशन वेव्स एंड ऑप्टिक्स, ऑसिलेशन वेव्स एंड ऑप्टिक्स, ठीक है। ये मान के चलिए यहां से 6 to 9 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, ठीक है, कहने का मतलब 10 to 12 मार्क्स का यहां से तुम्हारे पास में पेपर बनता है लगभग, ओके। और इसमें कुछ स्पेसिफिक टॉपिक जैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है, या फिर बाद में मैं बात करूं डैम्प्ड एंड फोर्स ऑसिलेटर, ठीक है, इसमें भी y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये वाला जो फॉर्मूला है वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, डैम्प्ड फोर्स ऑसिलेटर, ठीक है,
इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। यहां से तुम्हारे पास क्वेश्चन तुम्हारे पास मिल ही जाएंगे भाई, ओके। इसके अलावा तुम्हारे पास में ग्रुप वेलोसिटी, फेज वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी, ठीक है, यहां से मिलेगा। ऑप्टिक्स की अगर मैं बात करूं तो तीन टॉपिक अच्छे से पढ़ जाना, इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस प्लस डिफ्रैक्शन प्लस पोलराइजेशन, इतना पढ़ जाना, ठीक है। बाकी लेंसेज वगैरह भी आते हैं इसके अंदर, अगर ये भी आप पढ़ लेते हो तो आपको यहां से काफी कुछ कवर हो जाएगा, ठीक है, काफी कुछ कवर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट आता है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है आपका इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है। ये मान के चलिए 10 क्वेश्चंस यहां से बनेंगे आपके पास में, ठीक है, और 15 मार्क्स का आराम से यहां पे आपको मिलेगा। 15 नंबर का जो है, कम से कम 15 नंबर का तो मिलेगा, इससे ज्यादा ही मिलेगा, ठीक है, कम से कम 15 नंबर का, मतलब 14 to 18 मार्क्स का मान के चलिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, चेस्ट में भी बहुत सारा पार्ट जो है यहां से पीएफआर के अंदर भी आता है, ठीक है, और इजी पार्ट है, ये इजी पार्ट है, अपन देखो इसको पूरे को कवर करेंगे अच्छे से, ठीक है। तो ये आपका रहेगा, इसके अंदर तुम्हारे पास में गॉस लॉ, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं, ठीक है, सबकी देखेंगे अपन, स्फीयर वगैरह जो भी है, सॉलिड स्फीयर, होलो स्फीयर जो भी है, ठीक है, लाप्लास इक्वेशन, ओके, पॉइजन इक्वेशन, बाउंड्री कंडीशंस, ठीक है। तो ये टॉपिक्स मैग्नेटो स्टेट्स के अंदर भी जो है, ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं, वेक्टर पोटेंशियल क्या रिलेशन होता है दोनों के अंदर, फिर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का पार्ट देखेंगे, टाइम की जहां पे इंपोर्टेंस आ जाएगी इसके अंदर, ठीक है। तो वो सारे पार्ट जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये वाला पार्ट भी आप अच्छे से कर सकते हैं यहाँ पे, ओके। चलिए नेक्स्ट देखिए, सिक्स नंबर है तुम्हारे पास में काइनेटिक थ्योरी एंड थर्मोडायनेमिक्स, काइनेटिक थ्योरी एंड थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, काइनेटिक थ्योरी एंड थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। मान के चलिए इंपॉर्टेंट पार्ट है और आसान पार्ट है, ठीक है, 10 to 12 14 क्वेश्चंस यहां पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है, और लगभग तुम्हारे पास मार्क्स की अगर मैं बात करूं यहां से, इसका वेटेज कितना होता है, लगभग 15 से 20 नंबर का वेटेज होता है, ठीक है, एंड स्टेटिस्टिकल भी कर देना भाई इसके अंदर, स्टेटिस्टिकल फिजिक्स, ठीक है, 15 से 20 नंबर का तुम्हारे पास यहां पे मिल जाएगा। तुम चाहो इसको अच्छे से पढ़ लोगे अगर तुम, तो पूरे नंबर यहां से ले सकते हो तुम, ठीक है, पूरे नंबर यहां से ले सकते हो, ओके। तो इसमें इंपोर्टेंट टॉपिक जो वेलोसिटी एंड एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें ग्राफ जो बनते हैं ना वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसके बाद में जैसे स्पेसिफिक हीट, मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक, ट्राईएटॉमिक, सब क्लियर निकालना आना चाहिए आपको, ठीक है। इसके बाद में तुम्हारे पास में आइडियल गैस, वांडरवाल गैस, ठीक है, ये सब आना चाहिए, ये मैंने यूट्यूब पे डाल रखे है, ठीक है, वहां से आप देख भी सकते हो, ठीक है। इसके बाद में जो है आपको थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस सारे आने चाहिए भैया ना, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, ठीक है, ये सारे प्रोसेस आपको आने चाहिए, ठीक है। एंट्रोपी हो गया इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंट्रोपी, मैक्सवेल्स इक्वेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन भी आता है आपके पास में, स्टेटिस्टिकल मैकेनिक्स की अगर मैं बात करूं, ठीक है, इसमें एंसेंबल्स, ठीक है, प्लस पार्टीजन फंक्शन, पार्टीजन फंक्शन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, चेस्ट के लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा तुम्हारे पास में फर्मी डिराक एंड बोस आइंस्टीन, ठीक है, ये वाला टॉपिक भी तुम्हारे पास में इंपॉर्टेंट है। मतलब कहने का मतलब देखो, टॉपिक्स सिलेबस तो तुम्हारे पास में लिखवाऊंगा मैं प्रॉपर वे के अंदर, जब कोई सब्जेक्ट स्टार्ट करूंगा उसमें सबसे पहले सिलेबस,
ठीक है, और उसके बाद में उसका बुक कौन सी यूज में लेनी है। बुक तुम्हें वैसे यूज में नहीं लेनी है, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा बुक से भी देख सकते हो, जैसे जो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है या सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, उनको अगर एडमिशन, वो अगर एडमिशन ले रहे हैं, ठीक है, ले भी रहे हैं, काफी स्टूडेंट्स ले रहे हैं, ठीक है, तो वो एडमिशन लेते हैं, तो वो चाहते हैं कि हमारे पास तो सर काफी टाइम है, सिलेबस तो हमारा 5-6 महीने में हो जाएगा, फिर हम क्या करेंगे। तो आप बुक सजेस्ट करूंगा, आप बुक से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। बाकी एग्जाम अच्छी रैंक के साथ क्वालिफाई करने के लिए आप ओनली लेक्चर देखिए, मैं जो टेस्ट लेता हूं उन टेस्ट को अच्छे से देखिए, उनके सॉल्यूशंस को देखिए, असाइनमेंट निकालिए, लास्ट ईयर क्वेश्चंस निकालिए, मोर देन सफिशिएंट है कोई भी एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। लास्ट है आपके पास में मैकेनिक्स एंड जनरल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, मैकेनिक्स एंड जनरल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ठीक है भाई। इसके अंदर ऐसे फ्लूइड मैकेनिक्स आ गई, ठीक है, सेंट्रल फोर्स हो गया, ओके, या फिर तुम्हारे पास में ग्रेविटेशन फील्ड हो गया, ठीक है, या फिर तुम्हारे पास में न्यूटोनियन मैकेनिक्स हो गया, ठीक है। तो ये कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं इसके अंदर जो तुम्हारे पास में पूछे जाते हैं, ठीक है, या फिर कोरिओलिस फोर्सेस हो गया, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो क्वेश्चंस मिलेंगे तुम्हें 12 से 15 क्वेश्चंस मिलेंगे, और वही जो है लगभग 15 से 20 नंबर का वेटेज होता है इसका, वेटेज, ठीक है। कुछ स्टूडेंट को ये थोड़ी सी टफ लगती है, लेकिन इतनी टफ नहीं है, बहुत आसान है भाई, ठीक है। अगर आप जो है बिल्कुल कंसेप्ट समझ के पढ़ते हैं, बिल्कुल टॉपिक बाई टॉपिक स्टेप बाई स्टेप पढ़ते हैं, तो ये कठिन नहीं है, ठीक है। तो देखो इतना सिलेबस है, 7 सब्जेक्ट्स है, ये मैं आपको जो पूरा कोर्स है ये 12,000 के अंदर प्रोवाइड करवा रहा हूं, अगर आप मई में एडमिशन लेते हैं तो, ठीक है। एडमिशन जो है 10 मई से स्टार्ट हो जाएंगे, 10 मई से स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। अगर कुछ सेकंड ईयर के बच्चे हैं या फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, अगर आप अभी ये सिलेबस पढ़ लोगे तो आपका बीएससी करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बीएससी आपकी बहुत आसानी से हो जाएगी, आपको ऐसा लगेगा कि बीएससी इतनी आसान है क्या, अगर आप ये सारी चीजें पढ़ लोगे तो, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बच्चे भी एडमिशन ले ले, इसके अलावा जो फाइनल के बच्चे हैं वो तो ले ही ले एडमिशन, क्योंकि आपकी जो एमएससी है, मास्टर्स है, एक अच्छे आईआईटी से या रिसर्च इंस्टीट्यूट से हो सकती है, जहां से आपका फ्यूचर बिल्कुल सिक्योर होगा आगे के लिए, ठीक है। और कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं एमएससी वाले स्टूडेंट्स जो कि अभी बीएससी की कोचिंग करवाते हैं, लेकिन वो आईआईटी जेईई की कोचिंग अपने एरिया में करवाना चाहते हैं, ठीक है, तो वो भी एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। काफी सारे डाउट्स आपके यहाँ पे क्लियर होंगे, ठीक है। देखो अभी जो एक टाइम चल रहा है, जो सिचुएशन चल रही है, ठीक है, इसको यूटिलाइज करो, ऐसे नहीं कि घर पे बैठ के मोबाइल चला रहे हैं, अपना टाइम खराब कर रहे हैं, नहीं भाई, अभी जो टाइम चल रहा है इसको बिल्कुल यूटिलाइज कीजिए। कोशिश कीजिए कि मॉर्निंग में 6-7, कोई 6 बजे उठता है, कोई 5 बजे, कोई 4 बजे भी उठता है, ठीक है, लेकिन मॉर्निंग में 8 बजे से पहले मैं एक लेक्चर देख लूं, मैं जो लेक्चर आपको दूंगा वो एक लेक्चर मैं 8 बजे से पहले देख लूं, अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपका पूरा दिन अच्छा जाने वाला है, ठीक है। आपका पूरा दिन आप बिल्कुल फ्रेश रहेंगे, आपको कॉन्फिडेंट रहोगे पूरे दिन आप, ठीक है। लेकिन अगर आप पूरा दिन सुबह से कुछ किए ही नहीं, 12 बजे लेके बैठ रहे हो, ठीक है, तो आपके दिमाग में क्या चलेगा, आज का दिन तो मैंने खराब कर दिया, तो वहीं पे जो है आपका मोटिवेशन बिल्कुल कम रहेगा, ठीक है। कुछ मोटिवेशन चाहिए आपको तो मॉर्निंग में स्टार्टिंग में जो है आप लेक्चर देखना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। चलिए तो ये कुछ एक स्ट्रेटेजी थी, ठीक है। सारे सब्जेक्ट्स पढ़िए, कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स पढ़िए, अगर आपके पास में टाइम नहीं है, फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जो है पूरा सिलेबस पढ़िए, मैं यहाँ पे आपको 100% सिलेबस करवाऊंगा, उससे कुछ एक्स्ट्रा ही करवाऊंगा जिससे आपको जेस्ट में टीएफआर के अंदर हेल्प मिल सके, ठीक है। तो ये अपनी जो है स्ट्रेटेजी रहेगी, ओके। सबसे पहले जो है अपन सॉलिड स्टेट फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स वाला जो पार्ट है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 10 मई से आपके पास में लेक्चर आने लग जाएंगे, जिसको एडमिशन लेना है अभी मुझे मैसेज कीजिए, 70 एडमिशन होने के बाद में मैं एडमिशन नहीं लूंगा, ठीक है, मैंने 70 सीट्स ही निकाली है, ओके। चलिए आज के लेक्चर में इतना ही है, थैंक यू वेरी मच, जय श्री श्याम।